दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त था। कन्नौज के सरायमीरा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा कराने एआरटीओ ऑफिस के कैशियर अनुराग पांडे पहुंचे थे। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि किसी की निगाहें उनका लगातार पीछा कर रही हैं। बाइक सवार अपराधी कैशियर की गाड़ी की रेकी कर रहे थे। जैसे ही कैशियर गाड़ी से अपने हाथ में बैग लेकर बाहर निकला, बाइक सवार बदमाश ने कैशियर पर धावा बोल दिया। कैशियर अनुराग और अपराधी के बीच हाथापाई होने लगी। इसके बाद अपराधी ने बिना देर लगाए कैशियर अनुराग के हाथ में गोली मार दी। पांडे बाबू से सीना झपटी की तो पांडे बाबू ने बैग नहीं छोड़ा तो उनके हाथ में सीधा गोली मार दी। पांडे बाबू घायल हो गए, बैग हाथ से छूट गया। फायरिंग की आवाज सुनकर पास में ही पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग कर लुटेरे फरार होने में कामयाब रहे। बैग में 281,421 रुपया था, उसको लूट करके भागे हैं और पुलिस बदमाशों के पीछे लगी है। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। 281,421 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। घायल कैशियर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस हमेशा की तरह अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की शिनाख्त करने में जुटी है।